दोस्तों ये है होंडा की साइन 100cc 2023 मॉडल। इसका ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर, सारी डिटेल्स आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हीरो स्प्लेंडर और एचएफ डिलक्स का क्या होगा, अगर आप इसकी प्राइस जानेंगे तो उन दोनों बाइकों को भूल जाएंगे 100%, क्योंकि होंडा की फर्स्ट इन सेगमेंट ऐसी बाइक है जिसने 100cc में साइन को बनाया है। और ये एक ऐसी बाइक है दोस्तों जो कि साइन 100cc में बेहतर माइलेज और कीमत अगर आप जानेंगे तो एचएफ डिलक्स से भी सस्ती है, तो स्प्लेंडर की बात ही क्या करें। तो अभी आप इस वीडियो में सारी डिटेल्स जानने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो सबसे पहले हम इस बाइक का बात करते हैं कलर का। देखिए ये दूसरा कलर है रेड में और ग्रीन में, और उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका एक पांच कलर। टोटल ये पांच कलर के हैं, तीन कलर की वीडियो हमारे चैनल पर मिल ही जाएगी। एक येलो कलर की स्टिकर पर है, रेड एंड ग्रीन, और एक ये है और एक कलर और है दोस्तों। यानी कि पांच कलर टोटल ये गाड़ी आपको मिलेगी। और सिंगल वेरिएंट में आएगी, इसमें डिस्क का कोई ऑप्शन नहीं, ड्रम ही आता है इसका। तो चलिए फ्रंट पर हम स्टार्ट करते हैं इस वाले कलर का। देखिए सबसे पहले अगर आप फ्रंट से साइड से देखेंगे, ये जो है आपको सिल्वर कलर की पट्टी मिलेगी यहाँ पर, इस तरह से देख सकते हैं आप, सिल्वर और ग्रे रहेगा। और फ्रंट पर देखेंगे तो यहाँ पर होंडा का लोगो, पूरा वाइजर जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर पर रहेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 35 वाट का हैलोजन बल्ब, इंडिकेटर आप देख रहे हैं बल्ब वाला, येलो ग्लास पर यहाँ पर रहेगा, ये देखिए ठीक है, इस तरह से आप देखिए ऐसा रहेगा। अब लेकिन इसका जो मडगार्ड है वो है मैट ब्लैक कलर, ये देखिए गाड़ी की कलर की मैचिंग है। अगर आप एचएफ डिलक्स लेते हैं सिल्वर कलर का, वहाँ पर आपको एलॉय व्हील मिलती है, यानी गाड़ी के अलग कलर में रहेगा वो। और ये जिस कलर में गाड़ी रहेगी उस कलर में आपको एलॉय व्हील मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब होंडा का यहाँ पर 2/75/17 का ट्यूब वाला टायर, और उसके बाद एक नई एलॉय व्हील, 130mm का ड्रम ब्रेक, कम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, और यहाँ पर मडगार्ड पर ही आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हो, सबसे गजब। अब ये मडगार्ड की खूबसूरती ये है, खासियत ये देखिए, एकदम नरम है, अगर ये कहीं लड़ेगा भी तो टूटेगा नहीं, ये चीज़ सबसे बढ़िया। बाकी अदर बाइक में ये जो हार्ड रहता है तो टूट जाता है। अब उसके बाद दोस्तों इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो है 9 लीटर का, और ये E20 OBD2 BS7, यानी कि सबसे नया मॉडल है। होंडा का सिल्वर वाला आपको यहाँ पर लोगो मिल जाएगा, और एक स्टाइलिस स्टिकर मिलेंगे। 9 लीटर फ्यूल टैंक के कैपेसिटी, रहा फ्यूल टैंक का कैप, और उसके बाद इस तरह से गाड़ी आप देख सकते हो। अब ये रहा आपका इसका डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इस तरह से आपको मिल जाता है सेल्फ स्टार्ट। अभी आपको इंजन साउंड भी सुनाते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूट्रल, एफआई, पासिंग और इंडिकेटर के स्विचे, यानी कि इंडिकेशन लाइट, ये देखिए। यहाँ पर आपका पेट्रोल बताएगा, यहाँ पर आपका स्पीड बताएगा ये गाड़ी में। होंडा का लोगो, ये रहा इसका की यानी कि चाबी। ब्लैक कलर में आपका हैंडल बार पूरा मिलेगा, हाई लुबिंग ट्रस सिग्नल हारन, और यहाँ पर सेल्फ स्टार्टर, इस तरह से पूरी गाड़ी देख सकते हैं आप। और इस तरह से लुक आप देखिए गाड़ी का, ये आएगा। अब चलिए हम इंजन की बात करें। देखिए आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बाइक जो है वो 100cc में है, 98.98cc यानी 98.98cc का इंजन है। हीरो की स्प्लेंडर हो चाहे चेप डिलक, वो 97.2cc है, यानी 97.2 उससे ज़्यादा सीसी में है। और 70 का ये माइलेज आराम से देगी, इससे ज़्यादा माइलेज दोनों गाड़ियाँ नहीं देंगी। और चार गियर मिलेंगे, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर, सेल्फ और किक दोनों स्टार्टर, 70 का माइलेज। और ये PGM प्रोग्रामेड FI ESP इनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, और SI इंजन आपको मिलेगा। सिंगल हारन, सिंगल चेसी, इस तरह से आपको मिल जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आप साइड के जो पैनल है यहाँ पर, इस तरह से आपको ग्राफिक मिलेगा, साइन लिखा हुआ, ये देखिए ठीक है, इस तरह से रहेगा। और इसका लुक आप देख सकते हैं। अब फुल फाइबर का चेन कवर आपको इस गाड़ी में मिलेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल फोटो से ये रहेगा, और ये रहेगा आपका फिक्स, गिरे तो गाड़ी तो इसी पे अटक जाए, ये चीज़ बढ़िया है। अब पीछे का टायर जो है वो 300/17 का ट्यूब वाला टायर है, यहाँ पर पीछे इस तरह से मिल जाएगा, ये देखिए। और अलॉय व्हील जो है वो एकदम नई मॉडल की मिलेगी। सारी गाड़ी यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा मिल जाता है, लेडीज और कोई भी आराम से बैठ सकता है। हाइड्रोलिक सस्पेंशन, और पीछे का जो पैनल है यहाँ पर इस तरह से स्टिकर्स रहेंगे। और सीट भी काफ़ी बढ़िया देख सकते हैं आप, सीट काफ़ी बढ़िया लंबी चौड़ी है। ग्रेवरील भी काफ़ी मजबूत दी गई है, लंबी चौड़ी बढ़िया, इस तरह से आप देख सकते हो। और पीछे की जो तेल लाइट है दोस्तों वो इस तरह से मिलेगी, ये देखिए आप, देखिए रियर से लुक। इस गाड़ी कितना, किसी भी गाड़ी का ये फेंडर चौड़ा नहीं मिलेगा, इसका कितना बढ़िया लंबा चौड़ा दिया गया है, और ये टूटेगा भी नहीं, ये देखिए कितना नरम है, ये देखिए एकदम मुलायम है, टूटेगा नहीं जल्दी, ये चीज़ काफ़ी अच्छा। तेल लाइट बल्ब वाली, इंडिकेटर भी चारों देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये रहा लुक, और इस साइड से भी आप देख लीजिए, 110mm का ड्रम ब्रेक पीछे, और सस्पेंशन दोनों सेम है। और ये रहा साइलेंसर, इस तरह से साइलेंसर का लुक आप देख सकते हो, और इस तरह से गाड़ी आप देख सकते हैं। और इसकी तेल लाइट देखिए, लुक काफ़ी बढ़िया शानदार गाड़ी है दोस्तों। और ये रहा साइन की ब्रांडिंग, ESP टेक्नोलॉजी जैसा कि मैंने आपको बता दिया, किक स्टार्टर, और इस साइड से भी इंजन देख सकते हैं। और ग्रेविल देखिए कितना बढ़िया लंबा चौड़ा दिया गया है।
टोटली जो इस गाड़ी की कीमत है वो है 79,000 ऑन रोड प्राइस, यानी कि 79,000 में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हीरो की स्प्लेंडर की बात कर लें, 88,000 प्राइस है और रिचेप्लस की 81,000 है। उन सभी बाइकों से इसकी कीमत सबसे कम है, 70 का एवरेज देने वाली शानदार गाड़ी है दोस्तों।